उधर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये टिपिकल क्वेश्चन है। मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, ये लाइट हाउस आपका और ये आपका मैन है। लेट अस अज्यूम ये बोट है और ये बोट पे ये मैन है और जो बोट है, अच्छा जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस है 150 मीटर हाई। Taking 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 to 45. So, ये एक एंगल होगा और यहां पर एक एंगल होगा। ये एंगल बड़ा है तो ये 60 डिग्री होगा, ये एंगल छोटा है तो ये 45 डिग्री होगा। भाई समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है। सर उधर समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा तो दिए देख लीजिए। देखिए बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है। ये आपका लाइट हाउस है जो कि 150 मीटर हाई है। ये है 45 डिग्री, गड़बड़ होगी। ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये है 45 डिग्री। उधर आपको समझ आया? हाँ सर। ना थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए कि फॉर एग्जांपल ये आप स्ट्रीट लैम्प ले लीजिए, कोई भी स्ट्रीट लैम्प ले लीजिए, स्ट्रीट लाइट होती है ना। आप स्ट्रीट लाइट को जब देखते हो तो ये जो एंगल है, और फिर लेट अस अज्यूम आप ये साइड चले जाते, ये साइड चले जाते, और अब जब आप ये पॉइंट को देखते हो तो ये वाला एंगल जो है, जब आप पास से देखो तो एंगल जो है वो ज्यादा होगा, और जब आप दूर चले जाओगे तो कम होगा। सही समझ आ रहा? समझ आ रहा। इसमें गलती नहीं करनी, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। और अगर आप दूर खड़े हो और आप इस साइड जाते हो तो दूर एंगल कम होगा, और जब आप पास आ जाओगे तो ये वाले पॉइंट को अगर आप देख लो, लेट अस अज्यूम यहां पर लैंप लगा होगा, तो आपका जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं सर। उधर कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं। तो इस केस में ये लाइट हाउस है, ये आपका बोट होगी यहां पर, ये रफ फिगर्स है यार। ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में आपको 2 मिनट्स लगे। सर समझ आ गया? समझ आ। फिर से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से समझिए। ये लाइट हाउस है जो 150 मीटर लॉन्ग है, 150 मीटर टॉल है। 2 minutes to change the angle of elevation of the top from 60 to 45. तो ये 60 degree है, ये बड़ा angle है, और ये जो है ये छोटा angle है जो कि 45 degree है, और यहां से लेके यहां तक जाने में 2 minutes लगे। मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रहा। अगर देखिए बात समझिए, अगर यहां पर लिखा होता 45 डिग्री टू 60 डिग्री, उसका मतलब ये होता कि आप जो है वो लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं। सर उधर डाउट तो नहीं है? नहीं। तो यहां पर लिखा होता गोइंग टूवर्ड्स, दोनों में से कोई भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैं लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए, उसमें कोई रटने की कोशिश मत कीजिए। आपको निकालना क्या है? स्पीड ऑफ द बोट। कोई याद है, कोई डाउट है? No, तो बताइए रुद्र, आपने किया है क्वेश्चन? शिवान तूने किया? Yes, sir. कैसे किया? इसमें
tan 60 degree is equal to 150 upon b1. आप सबसे पहले ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे, उसके बिना आप क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि होगा क्या, जैसे आप tan 60 की बात करना चाहते हैं तो आप यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको लिखना पड़ेगा, आप यहां लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रुद्र समझ नहीं आ रहा, रुद्र समझ नहीं आ रहा, समझा, ये मेरा मैजिक ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, अब ए बी की वैल्यू मुझे दी हुई है 150 और बी सी मैं देखता हूं कितना है, तो बी सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 150, और जो tan 60 है मेरे मैजिक ट्रायंगल से वो आ जाता है √3। शिवांग यहां पे ठीक है जी, सारे क्वेश्चंस में प्लीज बार बार समझाने की, मुझे बार बार ना समझाना पड़े प्लीज, जो ट्रायंगल आप बनाते हैं उन सबके नाम लिखिए, और उसके बाद जिस भी ट्रायंगल को आप डील कर रहे हैं, जिसकी भी रेशो आप निकालना चाहते हैं, प्लीज स्पेसिफाई कीजिए आप किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जानवर की तरह क्वेश्चन प्लीज मत कीजिए। अब मैं लेना चाहता हूं इन ट्रायंगल ए बी डी, मुझे पहले ट्रायंगल लिखना है कि मैं किस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहा हूं, इसमें मैं लिखता हूं tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है मेरा बी डी। सर कोई डाउट है यहां तक, tan 45 1 होता है तो बी डी जो है वो हो गया 150। यहां तक आप दोनों के क्वेश्चंस ठीक आए या आंसर ठीक आए गलत है जी? करेक्ट है, यहां पर मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं रूट थ्री को निकालना चाहता हूं, क्यों निकालना चाहता हूं आपको अभी दो मिनट में समझ आ जाएगा। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो हंसता खेलता पी सी मेरे पास आ गया 50√3। कोई समझ नहीं आ रहा, सर उधर कंफ्यूजन आ रही है, नहीं ये 50√3 है बी सी, और जो बी डी है यहां से लेके यहां तक ये है 150 मीटर। मीटर उधर यहां तक कुछ, अब अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, देखिए मैं यहीं पर कर रहा हूं, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, ये जो डीसी है बात समझिए, मुझे स्पीड निकालनी है बोट की, मेरे पास ये टाइम है यहां पर, और डीसी डिस्टेंस मेरा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा डी बी माइनस, बोल चुका डी बी माइनस डी सी, डी बी कितना है, डी बी 150 मीटर, डी सी कितना है, बेटा रैशनलाइज कर चुके हैं उसको, 50√3 लिख चुके हैं जी, आपको समझ आया जी। अब मैं यहाँ पर इसको 50 को कॉमन ले रहा हूँ, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 3 - √3, वही समझ आ रहा है, कंफ्यूज होते जा रहे हो, समझ आ रहा, √3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए, कोई कैलसी है आपके पास, जी बताइए जरा फटाफट, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू फटाफट बताइए, उधर देखिए ये छोटी छोटी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, और इसमें अगर आप देख रहे हो तो मैं अगर 2.2 भी लूं तो मेरा काम चल जाएगा, यहां मैं 1.4 लूं तो मेरा काम चल जाएगा, और यहां मैं 1.7 लूं तो मेरा काम चल जाएगा, भैया समझ नहीं आ रहा, ये क्या आ जाएगा 3 - √3 क्या है 1.7,
ये क्या है 50 इंटू 3 माइनस 1.7 कितना आ गया 1.3, भाई समझ नहीं आया। 13 × 5 = 65, तो बेसिकली दिस इज डी सी जो है वो 65 मीटर है। नहीं समझ में आया सर। आप अगर आराम से ये क्वेश्चन करोगे तो आपसे फटाफट क्वेश्चन होते रहेंगे, अगर जानवर की तरह करोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। तो स्पीड जो है, स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी रुद्र? शिवांग जी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? स्पीड हो जाए 0.52 मीटर पर सेकंड। दोनों सो रहे हो, लेक्चर नहीं सुन रहे। 65 मीटर अपॉन 120 सेकंड्स, रुद्र समझ नहीं आया? ये जो 2 मिनट्स है ये किसके इक्वल हो जाएगा 120 सेकंड्स के? नहीं समझ रहा है। तो ये जो है ये आपकी आएगी मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको 5 से कैंसिल करके निकालता हूं तो 5 × 1 = 5 × 3 = 5 × 2 = 5 × 4 = 13/24 मीटर पर सेकंड। अगर ये ताम झाम आप नहीं करना चाहते 0.5 तो स्पीड मेरा जो है वो आ जाता है 13/24 मीटर पर सेकंड। और अगर आप इसको किलोमीटर पर आर में करना चाहते हैं तो उतना भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो यहाँ जाके मैं छोड़ रहा हूँ, अनलेस एंड अंटिल उसने मुझे कहीं पर लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट द स्पीड एट सो मेनी डेसिबल पॉइंट्स। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी समझ आ रहा है। तो रुद्र इनको आईसीएसई में कैंसिल अलाउड नहीं है। ये अब आपको, ये अब आपकी अकल पर डिपेंड करता है कि अगर उसने यहां पर मेंशन किया हुआ है, जो एग्जामिनर है वो आपको बोल रहा है कि यार मुझे स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आर पे और मुझे चाहिए 2 डेसिमल पॉइंट तक, तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहां पर लिखा नहीं हुआ है तो मैं इसको चुपचाप यहां छोड़ के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। नहीं समझ में आया मेरी बात? नहीं समझ में आया मिस्टर? उधर समझ आया नहीं यार?